Hello all, how are you? Hope you all are doing well. वैसे ये मेरा चैनल नहीं है, ये मेरे बच्चे का चैनल है, केविन का. केविन बेल्जियन मेलिनॉइस, सॉरी. क्योंकि मैं बहुत ही न्यू हूँ, न्यू टू दिस ब्रीड. मेरे पास 3 लैब थे और बचपन से ही जैसे कॉमन ब्रीड्स होते हैं, डैल्मेशियन, कॉकर स्पैनियल, रॉकफेलर, ये मेरी फैमिली में रहते हैं. तो इस बार मैं सोच रही थी कि मैं एक टॉय ब्रीड के ब्रीड को मैं लूँ, बट जो ट्रेनर है, जो मेरे बच्चे लोग का जो ट्रेनर थे और रिनाउंड ट्रेनर है, मिस्टर सत्यवन दलवी सर, जो मेरे बच्चे लोग को उस लेवल तक पहुँचाया, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, उन्होंने मुझे बताया था, इंट्रोड्यूस किया था इस ब्रीड के बारे में. और ऑलरेडी मेरा जो ब्रदर है वो इस ब्रीड के बारे में जानते हैं, और दोनों जन ने मुझे कन्विंस किया कि गो फॉर इट. तो बहुत लोगों का होता है कि पर्टिकुलर सोच के रखते हैं, बट हाँ, लाइफ में कुछ अलग भी करना चाहिए. तो बेल्जियन मेलिनॉइस के बारे में आपको इस ब्लॉग से पता चलेगा, हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं और साथ साथ में मैं क्या करती हूँ इसके साथ, कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है, और बहुत सारी बातें होगी यहाँ पे. देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखूंगी और कुछ चीज़ें आप मुझसे सीखेंगे. तो बेसिकली बेल्जियन मेलिनॉइस एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, सुपर एनर्जेटिक डॉग है. ये ब्रीड फेमस हुआ था जब नेवी सील के साथ ये काम करता है, एंड उसामा बिन लादेन को रेड करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है इस ब्रीड का. जर्मन बेल्जियम से है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ज़्यादातर यूएस आर्मी नेवी सील के साथ काम करते हैं, वो लोग बहुत पसंद करते हैं और आर्मी में तो स्पेशली रखते हैं. इंडिया में ये अभी फेमस होने लगा है. बहुत लो मेंटेनेंस ब्रीड है, ज़्यादा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक क्लाइमेट में ये फिट हो जाता है. बस एक ही चीज़ है, ये एक वॉकिंग डॉग है. वॉकिंग डॉग मीन्स आपको उसको काम देते रहना पड़ेगा, वॉक कराते रहना पड़ेगा. हाइपर एक्टिव है. वैसे मैं लैब के साथ में जी हूँ तो मुझे पता है, जैसे लैब, जिन लोगों के पास आप लैब होंगे तो वो समझ सकते हैं, जैसे लैब स्पोर्टी है, बट ये सुपर स्पोर्टी है. ये ऐसे भागेगा ना, वो हाथ से निकल जाएगा, और एनी टाइम उसको कुछ ना कुछ करता रहता है. तो आइए मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ आप सबसे. क्या भी अब ये जस्ट खाना खाया, इसलिए थोड़ा सा अभी नहीं आ रहा है. केविन से हेलो गाइस, हाय, आई एम केविन, ब्लेस मी. सो केविन जो है 17 जुलाई 2023 का बर्थ है. अभी देखा जाए तो ये जस्ट 1 month 22 days है. तो कल उसका पहला डिवॉर्मिंग होगा और उसके बाद 17 के बाद उसका वैक्सीनेशन वगैरह होगा, और उसका बुधवार से उसको स्कूल की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी. तो मेरा बच्चा वेडनेसडे से स्कूल जाएगा. हाँ मामा का नाम रोशन करेगा ना बाबू, मामा का नाम रोशन करेगा. और मैं दिखाती जाऊंगी, और डेफिनेटली मैं अपनी ट्रेनर के साथ भी मैं बात करूंगी. आप लोगों को भी कुछ अगर क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, जो मैं अपने डॉक्टर को मैं पूछूंगी, प्लस ट्रेनर को मैं पूछूंगी, और होम ट्रेनिंग भी मैं कैसे मेंटेन करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. बेसिकली इतना आप सोच लीजिए, ही इज अ वेरी, दिस ब्रीड स्पेशली इज अ वेरी रफ एंड टफ ब्रीड है, ठीक है. और अभी मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा मैं, देखिए छोटा पपी है तो हम बात नहीं दे सकते हैं,
और बात के ऊपर भी देखिए, मैंने हर एक बच्चे के साथ इतने डॉक्टर्स के साथ इतने अच्छे रिलेशन और ये सब है, तो मुझे तो नॉलेज है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, डॉग्स को ना बार बार नहीं नहलाना चाहिए। अगर आपके डॉग्स घर पे है तो महीने में एक बार सफिशियंट है। अदरवाइज जैसे ड्राई शैम्पूस होते हैं वो 15-15 डेज में कर सकते हैं। एंड ये जो ब्रीड है, ये इसका क्या है, सुनने की जो पावर है, सुनने की, इसके कान आप अगर देखेंगे हमेशा खड़े रहते हैं, और जब अलर्ट हो जाता है दोनों ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, है ना बाबू, अलर्ट होते हैं तो ये कानों दोनों कानों का ना ऐसा हो जाता है ना खरगोश की तरह। तो धीरे धीरे आप सबको पता चलेगा। तो अभी मैं उसको ना जस्ट मैं पैक करूंगी, क्योंकि न्यूबॉर्न है, थोड़ा सा ऐसा स्मेल आता ही है ना, तो इसको भी थोड़ा फ्रेशनेस आ जाएगा। फ्रेश नमस्ते, और बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि डीवॉर्मिंग हुआ नहीं है, तो मेरे घर के प्लांट्स वगैरह, ये मिट्टी से लेके मेरे प्लांट्स वगैरह पत्ते वत्ते सब तोड़ने की कोशिश करता है, और एक जगह पे रहता नहीं है, और प्लस इतना डेयरिंग ब्रीड होता है ये, आप ऊपर भी रख दो ना वो वहां से भी कूद जाएगा, 20 फीट का दीवार ये लोग ऐसे चढ़ के ऊपर उठ जाते हैं। तो बट ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है, बेस्ट अगर आप लोग ये प्लान करते हैं कि मुझे शोज में जाना है, चाहे KCI हो, IPO हो, तो इससे बढ़िया ब्रीड और कुछ नहीं हो सकता है। सो मैं अभी क्या करूंगी मैं आपको बताता हूँ। वेट, रुको, कूदना मत, कूदना मत, गेविन बिहेव, कहीं से भी भाग जाता है। सो मैंने थोड़ा पानी लिया है यहाँ पे, और मैं सैवलॉल, देखिए डेटॉल जो है वो मना करते हैं, डेटॉल थोड़ा स्ट्रांग होता है तो स्किन जलने की चांसेस होते हैं, बस एकदम कुछ बूंदे, नो क्या देख रहे हैं ना, एक जगह पे बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आप ये ब्रीड ले रहे हैं ना तो बहुत आपको पीछे 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 घूमता रहेगा, एक जगह पे बिल्कुल रहने वाला है नहीं। केविन, अरे बिहेवियर सर, क्या बोलेंगे लोग, लोग क्या बोलेंगे, एक सेकेंड बैठो। दिस इज अ फर्स्ट ब्लॉग ना, कोई भी एकदम नॉर्मल जैसे मलमल का हो या कॉटन का कपड़ा लेके आप इसको जस्ट पैक कर सकते हो, सकते हो। मजा आएगा, अभी एकदम रिलैक्स हो जाओगे, एकदम मजा आएगा तुमको, इतना मजा आएगा है कि नीनी आ जाएगा। आप लोग पूछ सकते हैं कि मेल या फीमेल अच्छा रहेगा, कुछ भी कोई जैसा आपका मन हो, मतलब तिरछी बोलते हैं ना, तिरछी आंखें हैं इसकी, ये कुछ कुछ गुण ऐसे है ना, गुणों से मतलब क्या कहते हैं, विद्यमान ये ब्रीड ऐसे है, मैंने कोई भी ब्रीड में नहीं देखा। देखिए 2 मंथ्स का भी नहीं है, बहुत हाईली अलर्ट है। क्या हुआ, गुस्सा आया। अच्छा, बहुत जैसे शक्ल देखने पे मैंने पहले क्या सोची थी, मैं जब उसको देखी थी, इस ब्रीड को मैं लेने जाने से पहले जब मैं रिसर्च किया था, मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, बिल्कुल एग्रेसिव डॉग नहीं है, इनफैक्ट मेरे लैब्स बहुत एग्रेसिव थे, बट ये ब्रीड जो है ये बच्चों के साथ प्लस ओल्ड जो लोग हैं उन लोगों की टेक केयर के लिए भी रखते हैं, और इतना कहते हैं कि इसका जो दिमाग है और इंसान का दिमाग सेम है, बहुत इंटेलिजेंट है। बाकी धीरे धीरे आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा, हाथ पोछ दू, फ्रेश हो गया,
फ्रेश हो गए ना, फ्रेश फ्रेश हो गए ना। ओए बाबा, ओए बाबा, तो ठीक है, थोड़ा सा मस्ती भी दिखाएंगे डेली ब्लॉग में, थोड़ा मस्ती भी होगा, मतलब डेली ब्लॉग में थोड़ा मस्ती भी होगा। और कल मेरा डीवॉर्मिंग है, वो भी बताऊंगा। और फिर मेरा वैक्सीनेशन है, फिर मैं वेडनेसडे से मैं स्कूल ज्वाइन करूंगा। तो आप देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। बाय गाइस, टाटा गाइस, टेक केयर, बाय फ्रॉम केविन एंड मामा। सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं। चल भाई चल, जा रहे हैं, चल केविन, क्या हुआ केविन? कुकु डरा, कम कम कम, इधर 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 इधर।